नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों पर नकेल कसने के लिए कई बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें कानून लाने में जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कानून को तो राज्यपाल ने भी हरी झंडी दिखा दी, जिनके बाद से ही लव जिहादियों की शामत आई हुई है और कट्टरपंथियों की जमात बिलबिलाई हुई है, क्योंकि अब किसी ने भी अपनी पहचान छुपाकर युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण करने की कोशिश की तो उसे बहुत भारी पड़ेगा। लगातार सामने आ रही लव जिहाद की घटनाओं पर लोगों का कहना है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुस्लिम समाज में धकेल कर अपनी आबादी बढ़ाना चाहते हैं, पर इनके मंसूबों पर अब पूरी तरह से पानी फेर दिया गया है। तभी तो इन दिनों बौखलाए इस्लामिक कट्टरपंथी लगातार जहर उगल रहे हैं। इसके अलावा वामपंथियों की फौज भी लव जिहाद पर बने कानून पर नया नया ज्ञान दे रही है। इस बीच लव जिहाद पर बने कानून पर बयानबाजी करने सामने आई है। तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके अपने प्रोपोगेंडा के लिए मशहूर राजदीप सारदेसाई की पत्नी सागरिका घोष, इन्होंने लव जिहाद से निपटने के लिए एक बड़ा ही अजीबोगरीब तरीका अपनाने को कहा है, जिसे सुनकर एक पल को शायद आप भी यही सोचेंगे कि ये आखिर कहना क्या चाहती हैं। दरअसल उनके मुताबिक जो मुस्लिम लड़के खुद को हिंदू बताकर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देते हैं या अलग अलग धर्म की महिलाओं के साथ यौन शोषण जैसी अपराध को अंजाम देते हैं, अगर वो तुर्की के टेलीविजन धारावाहिक एत्रुग्रुल देखें तो इसका बेहतर हल निकाला जा सकता है। अब आप मैडम की मानसिकता का इसी से पता लगा सकते हैं कि वो किस मुल्क का उदाहरण देकर लव जिहाद पर अजीबोगरीब ज्ञान दे रही हैं, जो हमेशा कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाला और भारत विरोधी मुल्क रहा है। दरअसल सागरिका ने एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखती हैं, भारत में लव जिहाद के समर्थकों को तुर्की टीवी श्रृंखला एतुग्रुल और कुरुलुस उमान देखने के लिए दोपहर का समय बिताना चाहिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ड्रॉप डेड हैंडसम टगुट अल्प और उस्मान बेग की दृष्टि हमेशा के लिए मुस्लिम बेटों कानून के बारे में उनके व्यामों को समाप्त कर देगी। सागरिका घोष ने बड़े ही आसान तरीके से ग्रूमिंग जिहाद के जरिए होने वाले जबरन धर्मांतरण के खतरे को हिंदू परिवारों और मुस्लिम दामादों के बीच बतौर मानसिक उन्माद तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। इसके बाद सागरिका घोष नृशंस अपराध के पीड़ितों को चुप कराते हुए पीड़ित को ही दोष देने लगती हैं। उनका मानना है कि उन महिलाओं की आप बीती जिन्हें इस तरह के भयावह हालातों का सामना करना पड़ता है, ये मुस्लिम दामादों के प्रति मानसिक उन्माद का ही नतीजा है। कुल मिलाकर इनके हिसाब से मुस्लिम लड़के जिस तरह गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं वो ठीक है, अगर यही कोई हिंदू लड़का करता तो इनका ये ज्ञान किसी एक कोने में धरा का धरा रह जाता। हालांकि उनके इस ट्वीट पर लोगों ने उनके इस दिवालियेपन की सोच को उजागर किया। अंशुमन नाम के एक यूजर ने लिखा, आप अपनी बेटी और रिश्तेदारों से पूछो मुस्लिम लड़के से शादी करने को, अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो आप हमें ज्ञान ना दीजिए, ये काम आप अपने घर में करें। इसे सीधे रूप में बदलना आप सभी के लिए सबसे आसान तरीका है। शशिकांत जोशी ने लिखा, आपने करियर में क्या सीखा है, अगर इतने सालों बाद भी आप वास्तविक जीवन और काल्पनिक जीवन में अंतर नहीं कर सकती। वास्तविकता है निकिता तोमर, जिसमें सूटकेस में पैक मुसलमान द्वारा हिंदू लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी। तो वहीं विनायक नाम के यूजर लिखते हैं, तुर्की टीवी सीरीज देखने का समय बर्बाद करने के बजाय आप ये देखें कि आपके आसपास क्या हो रहा है, फिर आप समझेंगी। एक पत्रकार के रूप में यह है आपका काम। सागरिका घोष ये कहना चाहती हैं कि हम भी ये मान लें कि सब कुछ सिर्फ मानसिक उन्माद है, क्योंकि उन्हें तुर्की टीवी शोज में एक अच्छे नजर आने वाले इंसान को देखने में काफी मजा आया। इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि सागरिका घोष चाहती हैं कि हिंदू समुदाय अपनी महिलाओं को ऐसे अपराधों की भट्टी में झोंक दे। तभी तो इसके लिए उन्होंने एक टीवी सीरियल का हवाला दिया जो इस्लामी इतिहास के किरदार का वही मापदंडन करता है। सागरिका हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए इतना तत्पर रहती हैं कि एक तरह से चाहती हैं कि हिंदू महिलाओं को जिहाद के हवाले कर दिया जाए। सागरिका घोष जिस पाप को जन्म दे रही हैं वे उन लोगों से कम नहीं है जो महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनका ब्रेन वॉश करते हैं। ये ग्रूमिंग जिहाद के पीड़ितों पर अत्याचार जारी रखने का सबसे निंदनीय तरीका है।
सागरिका घोष उन्हीं फेमिनिस्ट में शामिल हैं जो अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि बिलीव ऑल विमेन, लेकिन अगर हकीकत की बात की जाए तो इन्हें हिंदू लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचारों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बहरहाल सागरिका के इस ट्वीट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।